सूरज हमारा वफादार है। सूरज का कभी धोखा नहीं दे सकता है। और हम उनका मारने के बारे में भी नहीं सोच सकते, इसलिए आप भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए रणविजय जी। हम जानते थे, हम जानते थे कि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा। आज सूरज की जान लेकर रहेंगे और आपको विश्वास दिला कर रहेंगे कि सूरज हमारा वफादार नहीं रहा, वो चकोर का पालतू हो गया है। आप बोलो, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? क्या पक्की खबर है? कहां देखा उन्हें? ओके रणविजय जी, ये क्या, ये क्या सुन रहे हो? ये आपने कौन खबरी छोड़कर रखा, वो भी हमका बिना बताए? आप तो जानते हैं कि हमका ये चूहे बिल्ली का खेल बिल्कुल नहीं पसंद है। और आप जानती है ना कि हमें आपका हर बात पे टांग अड़ाना अच्छा नहीं लगता। रणविजय जी, आपका क्या हुई गवा? आप हमसे इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सका तो नहीं, आप हमसे आपकी हर बात इस तरीके से मनवा सकते हो। और हाँ, हमको कोनो उड़ते घोड़े ढूंढने का कोनो शौक नहीं है। अरे, ये घोड़े कधे का खेल नहीं है। हमें अभी भी खबर मिली है कि सूरज और चकोर गांव के तालाब के पास रासलीला रचा रहे हैं। चलिए उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। एक मिनट, जाने से पहले हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि अगर हमने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा और हमारी खबर सही निकली, आप हमें सूरज को मारने से नहीं रोकेंगे। कीजिए वादा। अगर आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए रणविजय जी, सूरज हमारा वफादार है और हमका पूरा विश्वास है कि वो चकोर के साथ मिलकर हमका धोखा कभी नहीं दे सकता। मगर फिर भी ठीक है, आपकी मन की तसल्ली के लिए चलिए चलकर आपकी शंका दूर कर देते। और हाँ, अगर हम गलत निकले और सूरज वफादार नहीं निकला, तो हम खुद ही आपका बंदूक देंगे उनका मारने के लिए। दिया वादा। क्या हुई ना बात इमली जी, अब निकालिए अपनी डिजाइन वाली बंदूक, क्योंकि आज सूरज नहीं बचेगा। आपको लगता है ना कि सूरज हमारा आदमी है? अब देखते रहिए कैसे जाके बचाता है वो हमारी दुश्मन को। सूरज उस चकोर को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, अब खमका एक वफादार इंसान को मार रहे। करेगा इमली जी, जरूर करेगा। उसने पहले भी उस चकोर की जान बचाई है और आज फिर बचाएगा।
और जैसे ही वो उसकी जान बचाने निकलेगा हम उसकी खोपड़ियां उड़ा देंगे। जा बेटा जा, उठ जा, अपनी लैला को बचा जा। तुम्हें मरना है तो मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं बचाएंगे तुम्हें। देख लिया रणविजय जी, स्वयं अपनी आंखों से देख लिया आपने, अब हुई गई तसल्ली। तुम कह रहे थे ना कि सूरज चकोर को ना ही बचाइए, अगर सूरज की याददाश्त वापस आई गई होती तो इस तरह वो चकोर को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ता, समझे? नहीं, नहीं। अब रणविजय जी, हम तो कहते हैं कि यहाँ मुंह ताकने से बेहतर है कि हम चकोर को मरते हुए देखें। क्यों, चलिए। अरे चलिए चकोरिया। चकोरिया दीदी। चकोर। चकोरिया दीदी। चकोर कहाँ है? चकोर, चकोर कहाँ है? हमका लागत है कि मुजली आज भी नहीं मरी है। हमका तो ये भी लागत है कि इस चकोर ने जमदूत के संग दोस्ती गाठ ली है। अब चलिए रणविजय जी यहाँ से, इससे पहले कि इस चकोर की मौत का इल्जाम हम दोनों पर है। चलिए। चकोर। चकोरिया दीदी, इस सूरज पे अभी ना इंसान है या जानवर, अरे कोई भी हो, किसी भी गैर को इस हालत में देखिए तो बचा ही नहीं है, और ये सूरज भी मुंह मोड़ के चले गए। वो सूरज चकोरिये का पति नहीं है, वो पाल तो भेड़िया है उन राक्षस लोगों का। चकोरिया दीदी। चकोर। सूरज चला गया। हाँ। जल्दी आ, जल्दी। आराम से, ठीक है ना तू? ठीक है तू? ठीक है। ऊपर वाले की दया से हमारे पास ये नली थी जिसके जरिए हम सांस ले रहे थे। सूरज कहाँ है? सूरज भैया को छोड़ दो चकोरिया दीदी, सूरज भैया को छोड़ दो। तो ऊपर वाले की कृपा थी, तू का कछु नहीं हुआ। हमें ना सूरज पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, और तू किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तू तो कूद गई यहाँ पर अपनी जान देने के लिए, और वो भी चला गया तुझे मरने के लिए छोड़ के। क्या? मेरी बात मानो और सूरज भैया के चक्कर में खुद को दंड देगा बंद कर दियो। वो तोरा सूरज नहीं रहा, ऊना अब उन लोगों का बंधुआ बन चुका। तुम उनकी यादश वापस लाके इसे छोड़ दियो। ये तुमसे नहीं होता पाकी, ये हमारी जिद नहीं है, ये हमारा प्यार है, और हम अपने प्यार को नहीं छोड़ सकते। एक हमारा प्यार ही तो है जिसके बलबूते हम जी रहे हैं। बाकी हम हार नहीं मानेंगे, हमारा प्यार कभी हार नहीं सकता। हम सूरज को उसकी याददाश्त वापस दिला के रहेंगे। सूरज को हमारा बचपन याद आ सकता है, हमारा अतीत याद आ सकता है, तो उसे हमारा वर्तमान क्यों नहीं याद आ सकता? हम उसे सब कुछ याद दिलवा कर रहेंगे, सब कुछ। जब तक हम सूरज की याददाश्त वापस नहीं ला देते तब तक हम हार नहीं मानेंगे। हम सूरज को वापस पाकर रहेंगे।